लोहड़ी के पावन एवं खुशहाली के पर्व पर मैं सभी देश और प्रदेशवासियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इसके साथ ही गिरिपार क्षेत्र के निवासियों को माघी पर्व की शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये वर्ष आपके जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली लेकर आए। शहर के सौंदर्यीकरण के नाम पर नाहन की सड़कों पर टाइल्स लगाने का काम जोरों से चला हुआ है। कई स्थानों पर ये काम खत्म भी हो चुका है, मगर बस स्टैंड से रानीताल तक टाइल्स का काम अभी भी जारी है। दरअसल इस सड़क पर टाइल्स लगाने का कई दिनों से काम बंद है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क किनारे रहने वाले लोग अब धूल फांकने को मजबूर है। वहीं यहां वहां लगे टाइलों के ढेर हादसे को न्योता दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ठेकेदार ने टाइल्स को सड़क किनारे फेंका हुआ है, जिससे बार बार जाम की स्थिति बन रही है। कई जगह टाइल्स सही तरीके से नहीं लगी हैं। जो टाइलिंग का काम चला हुआ है, इसमें ठेकेदार ने बहुत ही लेट किया है। पहले पिछले एक सप्ताह पहले इसको बंद कर दिया गया है और हमारे बच्चे स्कूल हम छोड़ने जाते हैं, बहुत परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा धूल वगैरह उड़ती है और हमारी गाड़ियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। स्कूल के पास जो सड़क बन रही है जी, पता नहीं इसको दो तीन दिन हो गए, ठेकेदार भी कहाँ, पहले तो रात को काम चलता था, अब तो रात को भी नहीं चल रहा है। और टाइलें देखो, आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ फैलाई हुई हैं, गाड़ियाँ आने जाने में बड़ी मुश्किल होती है। ऊपर से सड़क का और टाइलों का लेवल इतने कर दिया कि गाड़ी का हमारा सरफेस बचता है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए नाहन से राकेश थापा की रिपोर्ट।